संपूर्ण आत्मा बन गई क्या? आदिकाल और अनादिकाल को याद रखो। आदिकाल को याद रखो और अनादिकाल को याद रखो। आदिकाल में देवताएं होते हैं, अनादिकाल में आत्मा होते हैं। अनादिकाल माना परम धाम को इस धरती पर उतार लिया, कौन सा काल हुआ? अनादिकाल। और आदि कहेंगे जब रुद्रमाला के जो भी भांति हैं वो सब विजयमाला में ऐड हो जाए, देवता बन जाए, विजयी बन जाए, विकारों पर पूरी जीत हो जाए, पक्के देवता बन जाए, तो आदिकाल हो गया। आदिकाल शुरू होता ही है आदिनाथ से। आदिदेव और आदिदेवी से पिछला जन्म आदि आया तो मध्य हो गया। जो पिछले जन्म है वो मध्य में है, आदि में है या अनादि में है? किससे पहला? संगम युग है, संगम युग में अंत भी है, अंतिम जन्म भी है और संगम युग में आदि का जन्म भी है। और संगम योग होता ही है इस सृष्टि पर। परम धाम में कोई संगम होता नहीं, तो यहाँ तो आदि का जन्म है या अंत का जन्म है? अभी जो वर्तमान जन्म चल रहा है उसको आदि कहें या अंत कहें? क्या कहें? अगर अंत कहें तो अंत में विनाश होता है कि नहीं? बाबा तो कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। अभी महाभारत युद्ध शुरू हो गया है कि सामने खड़ा है? तो अभी तो अंत नहीं है। हाँ, संगम पर हैं। कभी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में चले जाते हैं और उससे ऊपर उठते हैं तो आत्म की स्थिति में चले जाते हैं, एकदम मना दी और नीचे गिरते हैं तो अंतिम जन्म में आ जाते हैं। देखने वाले अपने स्वरूप को स्वचिंतन करते हुए स्वरूप को पहचानेंगे ना कि मैं आत्मा इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आदिकाल में कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ। अनादिकाल में तो आत्मा ही होती है, पार्ट की बात ही नहीं। आदि मध्य और अंत, आदि में देवता, मध्य में कन्वर्शन हुआ, फिर अंत में असुर राक्षसी दुनिया। अभी अनादि नहीं है, एक सेकंड, दो सेकंड, पांच मिनट, दस मिनट, ज्यादा से ज्यादा
निराकारी स्टेज बनती ही नहीं। एक्यूरेट संगम जब कहें तब निराकारी स्टेज शुरू होगी, वो भी नंबर बार पुरुषार्थ संसारी। जो जड़ ग्रह हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि दो दिन के बाद यानी 13 फरवरी को जो सूर्य का घर है उसमें राहु और शुक्र वगैरह आकर के बैठ रहे हैं और दूसरे भी फिर केतु वगैरह भी, तो जो समय है सूर्य के लिए उसको बिल्कुल वो प्रभावहीन कर देंगे। तो क्रिटिकल समय बहुत बताया जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से, तो इसको हम बेहद में कैसे ले सकते हैं? ज्ञान सूर्य के बारे में बताया नहीं गया क्या होना है आपको? बाबा की मुरली के अनुसार ये क्लेरिफिकेशन मिला हुआ नहीं है, है? क्या क्लेरिफिकेशन मिला हुआ है? राज करेगा खालसा, है? सारी दुनिया में राज्य किसका होगा? जो नंबर वार खालिस होंगे उन सबका राज्य होगा, कोई छोटा कोई बड़ा। दीदी दादियों ने तो थोड़ा राज्य किया है बेसिक में, लेकिन एडवांस में बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा। और बहुतों के हाथ में नंबर वार कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, उस समय बाप गुप्त हो जाएगा या प्रत्यक्ष रहेगा? गुप्त हो जाएगा। तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा, संसार में बच्चों का प्रभाव फैल जाएगा। अब चाहे बच्चे गणेश के रूप में हो, चाहे हनुमान के रूप में हो, चाहे देवियों के रूप में हो, आखिरी में फिर क्या होता है? हैं? आखिरी माने जब सारी सृष्टि की मौत सामने आती है तब क्या होता है? जैसे एक एक आदमी की मौत होती है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ऐसे ही जब सारी सृष्टि खलास होनी होगी, वो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की हो और चाहे बाहर की दुनिया की हो, तो जब एक सच्चा प्रत्यक्ष होता है तो बाकी सबकी डूबी जा हो जाती है। नहीं तो मालाएं प्रत्यक्ष कैसे होंगी? मालाएं तो बहुत प्रकार की हैं, 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की भी माला है, 16108 की भी माला है। बड़े बड़े पुराने मंदिरों में गरारी पर रख करके 4-4, 6-6 आदमी मिलकर के खींचते। अभी तो 4-4, 6-6 ने मिलकर के घूम घूम के सेवा करना शुरू नहीं किया है ना, वो भी होगा। चार चार छह छह का इकट्ठा संगठन बनेगा, झाड़ के झाड़ उखड़ाएंगे। तो मालाएं जब बनेंगी तो अलग अलग संगठन दिखाई देंगे या नहीं देंगे? नहीं तो ये क्यों बोला गया? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो एक हो जाने से पहले बिखरा हुआ नजर आएगा या पहले से ही एक नजर आएगा?
पहले वो संगठन भी अलग अलग नजर आएंगे, स्पष्ट 8-9 राजाइयां देखने में आवेंगी। सब कहेंगे हमारे ग्रुप में भगवान काम कर रहा है। एडवांस में तो एक ही रहेगा, नंबर बार एडवांस में नंबर एडवांस में नंबर बार नहीं होंगे। एडवांस के जो ग्रुप है वो नंबर बार नहीं बनेंगे, नहीं तो ये कहा ही कैसे जाएगा कि एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, जो एक पावरफुल बनेगा वो सबको खींचेगा ना, खींचेगा तो इसका मतलब और भी नंबर बार है एडवांस में। राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख का और भी जन्म होगा। पहले जन्म में मात पिता की आयु लंबी होती है या थोड़ी होती है? लंबी आयु होगी। बाबा कृष्ण ने ये कहा कि जैसे यहीं तो हम लोग सुने नहीं थे, लेकिन किसी भाई ने कहा कि कैसेट में बोला गया है कि जैसे वो आगे के जन्म में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, एकदम नहीं हो जाता है। वो आगे के जन्म सत्युग का पहला जन्म के बाद दूसरा जन्म, क्योंकि शुरुआत में सात्विकता ज्यादा होती है तो जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है, फिर बढ़ेगी कैसे जब दो में से दो ही पैदा होंगे। माने पहला जन्म जो होगा उसमें बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी होंगी चंडाल किस्म की, बहुत नीची कैटेगरी की, जिनमें एक की बजाय दो इशू हो जाएंगे, दो दो बार युगल बच्चों को जन्म देंगे, नहीं तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। अगर दो में से दो ही पैदा होते रहे तो फिर तो वो उतने ही बने रहेंगे। डेढ़ सौ वर्ष एवरेज बताया, एवरेज 100 वर्ष तक तो 450 आत्माएं जन्म। पहले जन्म में जिन्होंने ज्यादा याद किया है उनके शरीर की जो ताकत है वो आत्मा में, आत्मा की ताकत तो शरीर में भरी हुई है, इसलिए वो शरीर लंबी आयु वाला होगा। आगे चल के धीरे 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 करके ये स्थिति आ जाएगी, एक तरफ बच्चों का जन्म होना और दूसरी तरफ शरीर छोड़ना। तो बाबा इसका मतलब ये जो अब समय का जो अब इस समय का जो आयु है ये उसी में ऐड रहेगी ना पहले जन्म में। जैसे अब कोई आत्मा है 60 साल की है तो वहाँ 150 वर्ष इंक्लूड हो जाएगी वो जमा। संबत एक एक कब से शुरू होगा? अभी शुरू हो गया क्या? तो अभी तो नहीं ऐड कर सकते। 2018 से जब संबत एक एक की शुरुआत कहें तब कहेंगे कि भले शरीर सरता जाता है तो भी आत्मा इतनी पावरफुल हो गई है कि शरीर को मेंटेन करके रखेगी। दवाइयों की भी दरकार नहीं रहेगी, अभी तो बाहर से एनर्जी ले रहे हैं ना। एक दूसरी में ऐसे मैं सदांतर में तो आता हूँ लेकिन गरीब में ना, बहुत गरीब में
ऐसा भी गरीब नहीं जो सड़क पर पड़े पड़े भीख मांगता हो रोटी टुकड़ की, ऐसे में भी नहीं आता हूँ और ऐसे साहूकार में भी नहीं आता हूँ। सन 36 की बात बताई, जो लखापति करोड़पति हो आया क्या है? नहीं आया, ब्रह्म ज्ञान में नहीं आया है? अरे ये तो बात झूठी हो गई है। लखापति करोड़पति के तन में आया कि नहीं आया? आया, वो माँ के रूप में आया, बाप के रूप में नहीं आया। जो बाप के रूप में आया था वो तो वास्तव में गरीब था, ब्रह्मा बाबा का नौकर था, भले उनका ऊंचा संबंधी था, बहनोई था, लेकिन हाँ समाज में बहुत रईस वर्ग का नहीं था। संगम में बोला भी दो तीन जन्म ही हो सकते हैं, हैं? संगम में दो तीन जन्म ही हो सकते हैं, कोई कोई आत्माओं के दो तीन जन्म भी हो सकते हैं। 84 के अलावा होते हैं? अलावा नहीं, 84 के अंदर ही होते हैं, अलावा कोई होंगे? अलावा किसी आत्मा 85 जन्म भी होते हैं? नहीं, 84 जन्म के 84 बाप ही होंगे, 85वां बाप कहाँ से आ जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रजापिता है, यज्ञ के आदमी जब 7 साल की आयु हुई तो बाप ने प्रवेश किया, 7 साल की आयु पूरी होते होते शरीर छोड़ा, तो आयु पूरी नहीं हुई ना ब्रह्मा की, 60 साल के बाद बाबा ने बाप, हाँ 60 साल में प्रवेश किया, 65 साल के शरीर, 64 हो 65 हो माने वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश किया, और वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करने के बाद जब 40 साल पूरे होते हैं, हाँ जी, तो प्रवेश किया, और प्रवेश होने का पता थोड़ी चलता है, पता चलता है क्या? गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो पता चलता है कब आई? ऐसे महसूस होता है, पहले हलचल नहीं होती थी अब हलचल हो रही, पहले चुरुपुर नहीं होती थी अब चुरुपुर हो रही, तो ऐसे ही जो यज्ञ माताएं थी यज्ञ के अंदर, उस समय सन 73 से ही बाबा ने अव्यक्तवाणी में वाणी चलाना शुरू कर दी, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे और अब भी हो रहे हैं। इसका मतलब सन 76 की बात नहीं है, उससे पहले ही चुरुपुर शुरू हो चुकी थी, माताओं के अंदर सुखबुख शुरू हो गई थी, पता तो नहीं। अब ये थोड़ा ही पता है कि क्या है, पेट में दर्द हो रहा है कि कोई कोई आत्मा का करिश्मा हो रहा है जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो रहा है। बाबा मुरली में बोले है ना कि उनके तो कृष्ण की तो जन्म तिथि निकाली जा सकती है, कोई जिस कृष्ण की जन्म तिथि निकाली जाती है वो सतयुग का कृष्ण है, सतो प्रधान 5 तत्वों वाला, या संगम भी कृष्ण है सतो प्रधान आत्मा वाला है, सतयुग कृष्ण है, उसकी तिथि तारीख निकाली जाती है शास्त्रों में, है संगम की कृष्ण है, तब तो संपत्ति एक 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 निर्धारित होगा,
नहीं तो संबत एक 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 सचिव में थोड़े ही गिना जाएगा, वहां तो कोई हिस्ट्री मानी ही नहीं जाती है, बनती ही नहीं है। बाबा राम भक्त हनुमान का आ गया है तो समझ लो कि उसकी शूटिंग राम का भक्त हनुमान, लेकिन राम जिसको कहा गया है रामायण में वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है या जन्म मरण के चक्र से परे रहने वाला भगवान है? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा। रामायण में जो कथा कहानियां है राम की कि राम ने राम राज्य स्थापन किया, वो राम राज्य राम वाली आत्मा के द्वारा स्थापन करने वाला कोई और है या स्वयं राम वाली आत्मा है? जिसने रावण राज्य का विनाश किया वो रावण राज्य का विनाश करने वाला और राम राज्य की स्थापना करने वाला राम वाली आत्मा है या राम के अंदर कोई और है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि शिव राम में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो कार्य करने के लिए जो दुनिया में कार्य हो और कोई नहीं कर सका, लेकिन करने वाली आत्मा कौन है? वो तो ठीक है, वो निराकारी बना कैसे, बनाया किसने, वो अपने आप बन गया? जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे तब तक वो स्वयं निराकारी बनने की विधि भी नहीं जानता। इसलिए रामायण में जिसको राम कहा गया है वो वास्तव में भगवान की बात है, गॉड फादर की बात है, जो सदैव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। और महाभारत में या भागवत में जिसको कृष्ण भगवान कहा गया है वो वास्तव में कृष्ण भगवान कृष्ण वाली आत्मा की बात नहीं है, वो भगवान के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। कृष्ण को भगवान समझ लिया है, राम को भगवान समझ लिया है, उसका दास हनुमान थोड़ा ही बनता है। भगवान अपना दास बनाता है किसी को है? वो तो खुद ही कहते हैं बच्चे आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। बाकी राम कृष्ण की आत्माओं के बीच में ये पार्ट है कि राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश करके जब रावण से संघर्ष होता है रावणी प्रवृत्तियों से, उस समय कृष्ण वाली आत्मा जैसे कि हनुमान बन करके उड़ती हुई नजर आती है, हर जगह सहयोग करती है। और ये इंस्पिरेटिंग पार्टी कोई एक को ही नहीं करती है, जितने भी एडवांस पार्टी के प्लानिंग पार्टी के बच्चे हैं या प्रैक्टिकल पार्टी के बच्चे हैं सबको सहयोग करती है। नंबर बार पुरुषार्थ संसार, देखो हनुमान को अपना शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर होने से ज्यादा ताकत है सहयोग देने की, जो स्थूल शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं वो उतने पावरफुल नहीं है। बाबा संग 36 में सेवक राम वाली आत्मा में शिव बाप ने प्रवेश किया तो वो अभी तो हीरो का व्यापारी था, हीरो का व्यापारी था लेकिन गरीब था, उसकी छोटी मोटी दुकान थी चलती नहीं थी, उसकी हालत ऐसे ही थी जैसे झूठे हीरों के बाजार में कोई सच्चे हीरे लग कर के बैठ जाए छोटी सी दुकान में तो लोग क्या समझेंगे?
ये भी ठगिया है, झूठी दुकान, झूठी दुकान है, झूठे हीरे बेचता होगा। उसकी दुकान पर कोई जाता भी नहीं था, तो बाबा का संबंध ही था, इसलिए बाबा ने 10 साल से उनको अपनी दुकान में रखा हुआ था। जिस समय बाबा ने दुकान छोड़ी उस समय मैनेजर के पद पे था, दुकान का मैनेजर बन गया, लेकिन था तो नौकरी हुआ ना। जब दुकान छोड़ के गए तो आधा साझा कर लिया कि सारी दुकान की मिल्कियत हमारी और मेहनत तुम्हारी, जो पैदाइश होगी उसमें आधा आधा हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के भागीदार हो गए। वो बात मुरली में बोली है, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। कौन हुआ अलफ और कौन हुआ अल्लाह, और कौन हुआ बे और कौन हुआ बादशाह है? हाँ, अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही, ब्रह्मा बाबा को सारे यज्ञ की बादशाही मिल गई। वो उन्होंने अपना हुआ रेल का राही रास्ता ना पा है। ब्रह्मा बाबा अमीर थे, अमीर थे हैं। हाँ जी, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी बहन गरीब की शादी, अपनी बहन की है, बहन की शादी करी। अरे बहन की शादी बाप करता है कि ब्रह्मा बाबा करता है? सर तो बड़ी बहन थी। हाँ बाप जो है, क्यों ऐसा होता नहीं आजकल की दुनिया में है? आजकल तो विसंगति चल रही है, घर घर में आदमी यही चाहता है हमारी बेटी एकदम लखपति करोड़पति घर में चली जाए, बाद में भले तलाक हो जाए, होता ही है। हाँ हेडमास्टर, बोले अनाज का व्यापार करते थे, मास्टर का बच्चा था है? तो मास्टर का बच्चा ब्रह्मा बाबा जी। हाँ मैंने बचपन में, ये दोनों आत्माएं कोई साधारण पुरुषार्थी आत्माएं थोड़े ही हैं, राम और कृष्ण बचपन में साधारण थे और बड़े होकर बड़े व्यापारी बन गए। वो तो तब भी सच्चा था क्या? राम में और कृष्ण में यही तो अंतर है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं, क्राइस्ट जो हैं, क्राइस्ट की औलाद जो क्रिश्चियन है, उनमें दिखावा पंप एंड शो जास्ती होता है, हैं कुछ और दिखावा कुछ करते हैं। और ये ब्रह्मा बाबा के जीवन की भी बात मुरली में बताई, हीरे का व्यापारी था लेकिन बड़े बड़े राजशाही घाट से रहता था और राजघरानों में घुस जाता था। बाबा सर कलकत्ते वाली दुकान से ग्राम ने कब छोड़ी? अब ये तो हिस्ट्री निकालो, कब छोड़ी है? जाना पड़ेगा है है? ये राजाएं हैं ना, जो भी राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के, उन्होंने 63 जन्म में ज्यादा पाप किए हैं या कम पाप किए हैं? रानियां ज्यादा पाप करती थी या राजा ज्यादा पाप करते थे? राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं जन्म जन्मांतर, गद्दी पे बैठे थोड़ा नशा कर जाता था,
ये थोड़ी देखते थे कि कौन सत्य बोल रहा है असत्य बोल रहा है, जो मन में आया सो किया है। ये पाप कर्म जल्दी भस्म हो जाएंगे। अभी अभी जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, है? सौगुना बोझा चढ़ा रहे हैं या पाप का बोझा उतर रहा है? एडवांस पार्टी की जो भी भांति हैं, वो अपने जीवन में देखें कि जब से एडवांस में आए हैं उस समय सतो प्रधान स्टेज थी या अभी सतो प्रधान स्टेज है या तमो प्रधान स्टेज होती जा रही है? क्या है सच्चाई है? शुरू शुरुआत में जो नशा था वो नशा क्यों गुम होता जा रहा है? पाप कर्म बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बाप के ऊपर निश्चय घटता बढ़ता है या एक रस है? घटता बढ़ता रहता है। अनिश्चय बुद्धि विनश्चते की ओर जा रहे हैं। है तो नंबर बार तो होंगे ना, सबका एक जैसा पुरुषार्थ है क्या? हाँ, ये कोई नहीं कह सकता कि हम लगातार चढ़ती कला की ओर जा रहे हैं। है? हाँ, नया नया कोई आएगा तो यही कहेगा। क्या कहेगा? कि हमारी चढ़ती कला बाबा लगातार चढ़ती कला सबसे बड़ी। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ते एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो बताओ कब से है? 36 से पता लगेगा चढ़ती कला उतरती कला का। जंगल में मोर नाचा किसने देगा? कब से चढ़ती कला होगी है? त्रिमूर्ति तो बन गई ना, तीन मूर्तियों के तो पार्ट क्लियर हो गए हैं? 2000 हाँ, जब बाप किस लिए रुके हुए? बच्चों में मुख्य बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा। तो एक आत्मा उसके लिए सारा मदार रुका हुआ है। ये बाप का सिकिल्ला बच्चा है। सृष्टि का पहला पत्ता है। बीज बाप को कहा जाता है। बाप का सिकिल्ला था बच्चा ना, पिछले जन्म में हमारे पास बहुत आता था हीरे दिखाए। हीरे जवारे दिखाने आता था बाप का, जैसे ही उठता है ना। यहाँ ये बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, कहेंगे हम बिना पूर्व प्रमाण के कोई बात नहीं मानते। आप कुछ भी बोलते रहेंगे मानेंगे नहीं। याद आता है तो पहले जन्म। और बाबा सूर्य पूर्व में उदय हुआ, वो एक साथ पश्चिम में चला गया, इसका क्या कारण है? एक साथ पश्चिम में चला गया, सिंध में चला गया, पश्चिम में वरना क्या? सिंध एक साथ पश्चिम में कैसे चला जाएगा? मतलब 36 में उदय हुआ, उदय होता है कलकत्ता में है, और 37 में सिंध में चला गया, इसका क्या कारण? 37 में सिंध में थोड़ा ही चला गया। सूर्य जो है शूटिंग के हिसाब से कहेंगे वो 10 साल उत्थान और पतन के, जो 45 में विश्व युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया जो तैयार हुई थी उसका विनाश हो गया या बच गई? क्या हुआ है? हीरो समा, हीरो की समा खलास हो गई।
ये शूटिंग हो गई ब्राह्मणों की दुनिया में। सन 36 में जो नई दुनिया बनना शुरू हुई थी वो 42-45 के बीच में ध्वंस हो गई। मतलब कलकत्ता में तो ज्ञान चलना चाहिए था, नहीं चला। सूर्य कलकत्ता में तो शुरुआत बीज पड़ा, वही तो बात कर रहा हूं कि बीज का फाउंडेशन पड़ा है। तो फिर उसकी जो वृद्धि है, ये जो वृद्धि है और वृद्धि का जब अंत होता है तो उसे रात्रि कहेंगे या दिन कहेंगे? अच्छा, झगड़ा रात्रि में होता है या सचिव रूपी सवेरे में झगड़ा होता है? तो संक्षिप्त में था सवेरा, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या हो गया? अंधेरा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी झगड़ा हुआ। पहला युद्ध 36-37 में? नहीं, 36-37 में तो उत्थान था, सूर्योदय था। वो तो दुनिया के हिसाब से विश्व युद्ध हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में विश्व युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो बाहर की दुनिया का युद्ध है, ये अंदर की दुनिया का युद्ध। बाहर की दुनिया में पूछ रहा हूँ, बाहर की दुनिया में पहला युद्ध हुआ 14 में, 14-18। बाबा जी, वैष्णी शक्ति का पाठ चलने वाला है, है? जो वैष्णी शक्ति का पाठ चलने वाला है, है? क्या उसमें शिव बाप प्रवेश करेंगे? शिव बाप जो है वो बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं या कोई और भी पार्ट बजाते हैं? है? वो तो बजाया, वो बाप का पार्ट नहीं है। कब आता हूँ कब चला जाता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, एक तो क्वेश्चन कागज पे है। कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ते रहते हैं। पहले सामने वाले को हल करें या कागजी घोड़ों को हल करें? सत्यनारायण की कथा युगलों के द्वारा होती है, तो यहाँ एडवांस पार्टी में युगल नहीं है क्या? बेसिक में तो जो पढ़ाने वाले हैं वो भी मोस्टली सन्यासी है, और यहाँ तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कौन है? प्रवृत्ति मार्ग के हैं या सन्यासी हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा भी यही है। सत्यनारायण होगा तो सत्यनारायण की कथा भी होगी, और भक्ति मार्ग में तो झूठी कथा होती है तो सत्यनारायण होता ही नहीं। नकड़ा रहा। लीलावती कलावती नाम रख दिया है सत्यनारायण की कथा, कथा माने कहानी, और उसमें सत्यनारायण की कहानी तो है ही नहीं। धोती का जो फूलों की गांठ बांधी जाती है, है? ये संस्कारों की गांठ बांधनी चाहिए ना, जो 21 जन्म तक टूटे नहीं। बाबा, संगम युग लक्ष्मी नारायण की आयु 76 से, संगम युग लक्ष्मी नारायण की आयु 76 से चालू हो गई या 18 से चालू हो गई? 76 में जो बात बताई है वो बीज रूप आत्मा के बारे में बताई है या शरीर के सहित बताई है? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? मुरली बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो वो जो जन्म की बात है वो ज्ञान गर्भ से बाहर आने की बात है, सूक्ष्म बात है,
या स्थूल रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने की बात है, सूक्ष्म बात है। माने 69 से ज्ञान में वो आत्मा आई और 76 में प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई, वो ज्ञान बाहर आ गया। 76 से पहले बुद्ध रूपी पेट में सारा कार्य चलता रहा। जैसे ये 5-4 भाई हैं राम के, इन्होंने क्षेत्र के बाद ज्ञान मिलना शुरू होया क्षेत्र से पहले? वो बेसिक में पहले आए होंगे, बेसिक में तो नहीं, एडवांस एडवांस क्षेत्र से ही आएंगे। अगर पहले ही आ जाए तो फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष पहले मानना चाहिए या बाद में मानना चाहिए? पहले बाप होगा या पहले बच्चे होंगे? फिर प्रत्यक्षता वर्ष ही 76 माना गया। बाप की भाषा हिंदी है, आधा अक्षर लिखा जाता है, है? इसमें आधा अक्षर भी लिखा जाता है जबकि दूसरी भाषाओं में आधा अक्षर नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्रिया के साथ जो है साथ ही लगाया जाता है, सभी दूसरी भाषाओं में एक ही वर्ब यूज होता है। संस्कृत में भी बालिका और बालक के साथ घटित ही शब्द यूज होता है। हिंदी में जो हिज्जे हिज्जे का समझाया जा सकता है वो और भाषाओं में थोड़ी होता है समझाया जा सकता है। हिंदी जिंदा भाषा है, संस्कृत जो उन्होंने विद्वानों की भाषा बनी बताई है वो तो मरी हुई भाषा है, कहीं बोली ही नहीं जाती है, है? 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 गीता का पाठ किसका होगा? एक झूठी गीता एक सच्ची गीता। अभी तो मुरली में आई झूठी बात, झूठा संबंध और सच्चा संबंध। तो लक्ष्मी नारायण का सच्चा संबंध होता है या जगत पिता जगदम्बा का सच्चा संबंध होता है? किसका होता है सच्चा संबंध? लक्ष्मी नारायण। 21 जन्म तक कायम कौन सा रहता है? लक्ष्मी नारायण का संबंध 21 जन्म तक कायम है। फिर द्वापर शुरू होगा, फिर झूठा संबंध शुरू हो जाएगा, द्वैत शुरू हो जाता है। 21 जन्म तक लक्ष्मी साथ में, फिर कौन घुस पड़ेगी? जगदम्बा घुस पड़ेगी। बोले कराची से मुरली चली आई। हाँ जी। सुनाते थे बाबा लिखते थे जगदम्बा में शिव प्रवेश हो गई है, जगदम्बा में प्रवेश का साबित होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई कन्या थी क्या? माता थी तो प्रवेश नहीं हो सकता है। और एक ही माता बताई है, दो माताओं में प्रवेश की बात बताई भी नहीं है मुरली में। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी उनमें बाबा प्रवेश करते थे, प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। तो एक पुरुष था और एक स्त्री थी। बाकी मुरली में कहीं बोल दिया है अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, तो बच्चियां तो की आत्मा तो बच्चियां ही कहेगी ना, बुद्धि है तो क्या? एक मुरली में तो बोल भी दिया बुद्धि बच्ची, उसको तो राधे बच्ची बोल रहे हैं। ये तो एडवांस की भाषा है, एडवांस में समझाने के लिए राधा बताया है। मुरली में कहीं नहीं बताया गया कि किसी माता का नाम राधे था। ब्रह्मपुत्र नदी बाबा बेहद में कौन? सब नदियाँ ऊपर से नीचे आ जाती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी है जो पहाड़ पहाड़ पर ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती रहती है और लास्ट में जाके नीचे गिरती है।
जैसे अष्टदेव है ना, उनका जीवन चरित्र क्या है? 84 जन्मों का। तुम बच्चे 82-83 जन्म भी, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म सुख में रहते हैं, सात्विक स्टेज में रहते हैं। मैंने तमो प्रधानता आती है लेकिन थोड़ी, औरों के मुकाबले बहुत थोड़ी, क्योंकि आज से अंत तक बाप के साथ ही है। ये तो योगिनी माता हुई है, योगिनी माता हुई। हाँ, योग का मतलब ही है सहयोगी, योगी सुसहयोगी। अगर 63 जन्मों में कोई आत्मा सहयोगी ही नहीं है तो योगी काई की। और बड़ी मम्मी के लौकिक नाम के साथ दीक्षा तो लगाया गया है, छोटी मम्मी लगाया गया है माने किसी दूसरे ने लगाया, बड़ी मम्मी ने नहीं लगाया, तो फिर क्यों कह रहे लगाया गया? अब बड़ी मम्मी से पूछो, जिसने लगाया उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बैंक में, कोर्ट में जो नाम लिखेगा बताएगा, वो बताने वाला खुद बताएगा या कोई दूसरा बता देगा तो मान लेगा हैं? बैंक का मैनेजर मान लेगा, कोर्ट का जज मान लेगा? तो फिर कैसे लगाया? मैंने शक है। जैसे आज की दुनिया में ये परंपरा चल पड़ी है कि घरवाली जो होती है वो हमारी दासी है। क्या है? दासी है, पांव की चेरी है। ये दुनिया की मान्यता है, भक्ति मार्ग की मान्यता है या ज्ञान मार्ग की मान्यता है? भक्ति मार्ग की मान्यता है। ज्ञान में तो बताया आत्मा आत्मा भाई भाई, तो आत्मा आत्मा भाई भाई को स्वतंत्रता नहीं देनी है, बांध के रखना है, नाक पकड़ के चलाना है, है? लगा सकता तो लगाए, स्वतंत्र है आत्मा। ज्ञान मार्ग में आत्मा आत्मा भाई भाई बन के रहना चाहिए या नकेल डाल के रखना चाहिए? भाई भाई बन के रहो, संबंधों में सबसे पहला संबंध है महाभारत का जो अर्पण करना जरूरी है, कौन सा? जिसमें माया सबसे जास्ती आती है, कौन सा संबंध है? पति पत्नी का। ज्ञान में चल रहे हैं और पति पत्नी का भाव खत्म नहीं हुआ, वो संबंध ईश्वर के लिए अर्पण ही नहीं किया, तो क्या संबंध का त्याग किया? फिर अंदर से इतना निश्चय होना चाहिए, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। युधिष्ठिर ने जब दांव पे लगाया द्रौपदी को, तो कोई निश्चय होगा तब दांव पे लगाया कि ऐसे ही लगा दिया? है निश्चय था तो दांव पे लगाया। हम जाते हैं तो युधिष्ठिर वर्मा बाबा का पार्ट बजाते हैं तो युधिष्ठिर, लेकिन एक मुरली में बाबा ने प्रजा पिता गावे। लेकिन ब्रह्मा बाबा युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला 69 तक बना या उसके बाद बनता है? 69 तक बनता है, उसके बाद वो आत्मा युधिष्ठिर का पार्ट नहीं बजाती है? 69 में तो वो डगमगा गए, शरीर छूट गया, हार्ट फेल हो गया। योगी का हार्ट फेल होता है? ये हार्ट फेल होना फेल होने की निशानी है या पास होने की निशानी है?
ये तो फेल हो गए। हाँ वही आत्मा फिर जब कोई ब्राह्मण बच्चे में या ब्राह्मणी में प्रवेश करती है तब पार्ट बजाती है धर्मराज का। कोई माता जी को पूछ रही थी माता जी की पत्नी हैंड राइटिंग हमें मालूम है। कोई आपको चिट्ठी लिखे और उसमें नाम पता नदारद कर दे तो आप जवाब देंगे हैं? ऐसे बहुत से लेटर्स आते रहते हैं दूसरी दूसरी पार्टियों के क्या बहुत लोगों के पास आते भी होंगे नई नई ज्ञान की बातें अपनी छाप छाप करके बेचते हैं लेकिन उसमें एड्रेस नदारद नाम ही नहीं फोन नंबर ही नहीं तो जवाब किसको देंगे। जो लक्कड़ हाला लता पता बीच में हो गया। हाँ लता पता बता रहा है कि अब क्यों भयो अचेत उसका मतलब ये है कि उनकी नवैया डूब गई। बनिया था और बनिए से ब्राह्मण ने पूछा जा करके कि आपकी नवैया में क्या है तो बनिया ने बताया नहीं साहब कुछ नहीं है यह लता पत्रा भरा हुआ है लता पत्रा भरा हुआ है हमारी दाना में कुछ नहीं। मैंने झूठ बोल दिया ये पोता मिल देने की बात हुई कि जो सच्चा पोता मिल देते हैं उनकी नैया तो पार जाती है और पोता मिल झूठा देते हैं तो नैया डूब जाती है। नैया माना क्या शरीर रूपी नैया में बहुत कुछ रखा हुआ है पाप भी रखा हुआ है और पुण्य भी रखा हुआ है। ये हिंदू झांकियां तो समुद्र में डुबाते हैं है? हिंदू झांकियां जो हैं हिंदुओं की झांकियां हाँ जी हाँ मुस्लिम लोग भी तबूत वगैरह डुबाते हैं उनका वजह क्या है? ताबूत माने ताज जो धारण किया है बहुत ऊंचा ताज बनाते हैं उसका नाम रख दिया ताजिया। यह क्या है ये ताज है बहुत ऊंचा ताज उठाते हैं हमारा ताज बहुत बहुत ऊंचा है। फिर बाद में समुद्र में दो डुबो देते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात थोड़ा सा तो अभी बेसिक में देखने को मिला क्या असली ताज तो है पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण करना। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में आधारभूत मुसलमान है वो उस ताज को धारण करते हैं या उसका दिखावा ज्यादा करते हैं पॉम्पेंट्स ज्यादा हो जाते हैं बाद में वो अपनी जिम्मेवारी का ताज जो ऊंचा ऊंचा करके दिखाया है वो सिज्ञान सागर में जाके डुबो देते हैं। जैसे देवियों का है वैसे ही ताजिया का है। बाबा पर बाबा के द्वारा 47 से जो 64 तक मुरली चली उन मुरली क्लेरिफिकेशन या फिर उनके कोई वाणी तो कब से कब तक 47 से 68 तक उन मुरली का तो कोई क्लेरिफिकेशन कुछ उन मुरलियों को क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है फिर किसका मिल रहा है 66 पुरानी मुरलियां भी अभी तो दे रहे हैं। माउंट आबू वालों ने तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पुरानी मुरलियां सब खत्म कर दी थी
जब से एडवांस ज्ञान निकला है तब से मुरलियों का भजन उनकी बुद्धि में बैठ गया है। तो उन्होंने चारों तरफ से वो सूचनाएं भेजी कि जिनके पास पुरानी मुरलियां हों, गीता पाठशालाओं में रखी हुई हों, वो भेजें। तो बहुत उन्होंने तो भेजी नहीं, और जो है कुछ है तो उन्होंने भेजना शुरू किया। तो उनमें से कुछ एक को नई नई मुरलियों को छापते रहते हैं बीच बीच में, ऐसे नहीं चार पाँच साल की ही छाप रहे हैं। अभी जो आ रहा है उसमें से छांट छांट के एडवांस का कितना पॉइंट है वो निकाल देते हैं, और डेढ़ पेज दो पेज मुरली को छाप के भेजते हैं, बाकी खलास कर देते हैं, पेज का पेज उड़ा देते हैं, पेज का पेज उड़ा देते हैं। हाँ जी बाबा, ये जो बाबा एडवांस भी वो जैसे बीके बेसिक में जैसे हो रहा है वो एडवांस में भी बीज तो जैसे यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीज वाले क्या कर्म करते हैं जैसे वो मुरलियों को वो उड़ा देते हैं? अभी अभी जो कैसेटें हैं वो तुम क्या समझते हो कि कैसेटें जो भी चल रही हैं और जो क्लैरिफिकेशन चल रहा है वो जो कहते हो मिल रहा है आपको? पुरानी पुरानी जो कैसेटें हैं उनमें मिक्सरिटी है या नहीं, ध्यान से देखो। इसमें बाबा जैसे कोई इधर का उधर लगा दे। हाँ जी, जिन्हों जिन्होंने जिनके हाथ में कैसेट का काम आ गया और कैसेट करते करते बुद्धि इधर उधर हो गई, या कहीं आपस में लगाव हो जाता है, तो लगाव होने में बुद्धि कहाँ चली जाती है? लगाव वालों की तरफ बुद्धि चली जाती है। ईश्वरी सेवा में फिर विघ्न पड़ेगा जरूर, ईश्वरी सेवा में विघ्न पड़ता है तो क्या होता है, खुट्टा दूसरा दब गया, वो दबा ही रहा, मुरली सारी बिगड़ गई बीच में। अब कहीं बाबा को पता न लग जाए, देखा कि तो बीच में कट गुम हो गई, लिया फटाक से दूसरी बाणी निकाली और उसमें उतना ऐड कर दिया। ऐसी कितनी कैसे ऐसी हुई पड़ी है, लेकिन कोई कोई गीता पाठशाला ऐसी भी निकलेंगी जिनके पास शुरुआत का माल अभी तक रखा हुआ होगा। क्लैरिफिकेशन तो 85-86 से निकल रहा है जो कैस्टर में भर के रखा गया है, लेकिन 85-86 की कोई गीता पाठशाला भी तो होंगी जिन्होंने अपने पास सारा स्टॉक संभाल के रखा होगा, उसे टैली किया जाएगा तो सच्चाई खुल जाएगी एडवांस की। पर्चे को ध्यान से देख रहे हैं नहीं पढ़ देंगे, ऐसी क्या बात, इसमें है जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो आदि में जिन कन्याओं माताओं को सेवा के अर्थ भेजा गया तो क्या अंत में भी वैसे ही होगा? हमारी दिल की इच्छा ऐसी बहुत है, कैसी है, जैसे आदि में कन्याओं माताओं को बाहर भेजा गया था तो हमको भी भेजा जाए। ये बात एक एडवांस पार्टी में नया संगठन निकला है, उसका नाम रखा गया है नया सर एनएस। तो ये बात एनएस वालों पर भी लागू होगी या नहीं? होगी। अरे होगी नहीं तो माला के नंबर कैसे डिक्लेयर होंगे? होंगे, कौन सी आत्माओं में कितनी पावर है कैसे पता चलेगा? सोना जब तक आग में न डाला जाए तब तक उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? लंबे सफर का जैसे बाहर फील्ड में है वहाँ खान पान का और फूल स्नान के बारे में बताइए। कितने दिन के लंबे सफर पे जाते हैं? 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 लगभग 6 महीने। ऐसे एडवांस पार्टी में कोई बाबा था वो सालों साल बाहर चला गया है? एक पुरानी अटैची में फोल्डिंग स्टोव रख लिया,
एक तवा रख लिया, एक थाली रख ली। बाबा आज तक मना है ना है? सफर में ऐसा तनाव बन गया है कि फ्यूल ले जा नहीं सकते। अरे तो खाली तो ले जा सकते खाली स्टोव ले जा सकते कि नहीं है? नहीं ले जा सकते? ले जा सकते, दुकान है हर जगह। हाँ ये है कि अब वो मिट्टी का तेल है ब्लैक में मिलेगा तो थोड़ा दुगुना तिगुना कास्टली मिल जाएगा। अच्छा वो भी बात छोड़ो, मुरली में तो बोला है कच्ची सब्जियों पे हर जाता है, कोई फलों पे हर जाता है तो जिंदा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे बोलती बंद कर दी, रह जाएगा बाबा। हाँ जिंदा रहेगा और ही सात्विक बन जाएगा। सारी बात ही का करता के ऊपर, सारी बात है जितना कायदा उतना फायदा। हैं क्या स्थूल स्नान के बारे में भाई पूछ रहा? स्थूल स्नान जो बात स्थूल में लागू होती है वो बात सूक्ष्म में भी लागू होती है क्या? लौकिक दुनिया में रह करके जो बहुत झूठा धंधा करते हैं स्थूल दुनिया में, स्थूल धंधे दोरी में लौकिक दुनिया में जो बहुत झूठा धंधा करते हैं उनके संस्कार कैसे पड़ जाते हैं? झूठ पने के संस्कार पड़ जाते हैं छल छेद्र कपट के। वो ज्ञान में भी आ जाएंगे तो कैसे संस्कार होंगे? वो झूठ के संस्कार पर चलेंगे। इसलिए बाहर की शुद्धि भी होनी चाहिए और अंदर की शुद्धि भी होनी चाहिए। अंदर बाहर एक होना ही अच्छा है। जैसे मुसलमान है, भक्ति मार्ग में मुसलमान होते हैं, नहाना पसंद करते हैं है? मुसलमान जुम्मा जुम्मा स्नान कर लेते हैं है? ये कहाँ की यादगार है? है? संगम की यादगार है। यहाँ भी जो मुसलमान आत्माएं हैं क्रिश्चियन आत्माएं हैं रोज नहीं स्नान करती हैं ज्ञान स्नान, रोज गीता पाठशाला में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे है? सात दिन में एक बार चले जाएंगे बस है? हाँ। वो सातवें दिन स्थूल स्नान करते हैं और यहाँ ज्ञान में सातवें दिन ज्ञान का स्नान करते हैं। यहाँ की शूटिंग वहाँ चलती है स्थूल में। तो आपने स्थूल बात पूछी या सूक्ष्म है? आजकल सर्दी ज्यादा है हाँ जी। बाबा लहसुन को अगर मेडिसिन के इस्तेमाल करें तो नुकसान है? लहसुन को मेडिसिन के रूप में कभी लेना पड़ जाए तो? हाँ लहसुन की वो क्या नाम पिल्स आती है, लहसुन की कैप्सूल आती है, जब तक बीमारी है तब तक ना, मतलब कभी कभी लेना पड़ जाए, थोड़ी जुकाम हो जाता है लेने को। जुकाम हमेशा थोड़ा ही रहता है कि परमानेंट हो गया, कभी कभी की बात दूसरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, ये इतना योग बल नहीं है हमारे अंदर तो क्या अहंकार दिखाना जरूरी है? दवाई ले लो, दवाइयाँ सब आयुर्वेदिक थोड़ी बनती हैं, हर्बल दवाइयाँ सब थोड़ी बनती हैं, दवाइयों कीड़े मकोड़े भी यूज किए जाते हैं। ऐसे लहसुन का और प्याज का अल्टरनेटिव भी मिलता है कोई न कोई, वो भी यूज कर सकते हैं।
आज तो क्लास का टाइम ठीक रहा है। चलो।